साथ अगर इंटरव्यू पे भी जाओ तो बाल स्ट्रेट करके जाना स्ट्रेट बालों में हीरोइन बनोगी स्ट्रेट बालों में पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिलेंगे रबिया मैं भी इसी पाकिस्तान कराची में रहती हूँ हम लोग नॉर्मल फैमिली से है और मेरे करली बाल है ना आई एम सर्वाइविंग ना विद माई हेर या तो आप करली बालों वालों को पागल दिखाते हैं या वो नेगेटिव है तो उनके करली बाल दिखा दिए आई स्टिल रिमेबर जब मैं खेलने जाती थी इस्लामाबाद में पंजाब से कॉल्स आती थी मेरे सर के पास वो पूछते थे रहमा आ रही है तो मेरे सर कहते थे क्यों नहीं आ रही तुम लोग सिल्वर और ब्रॉन्स की तैयारी करो हम गोल्ड की करके आ रहे इज इट इजी टू फाइंड लव आई थिंक लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो मिले ही जाते हैं True. हमें पता भी तो नहीं होता हम खुद को ही पच्चीस के बाद एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तेईस mm. के बाद एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं जो कॉन्फिडेंट होती, है, होती, है, होती है कि आसपास के लोग उनसे हो जाते है, especially men. Hmm. यस yes. <laughs> इतना इतना ग्लैमर मेकअप वो चेंज भी तो आपको में एडजस्ट करना पड़ा होगा मैं लड़कों के साथ बारह बारह लड़के थे मेरी टीम में तो मैं भी वैसे ही हो गई थी कि टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं और वैसे ही हो गई थी <laughs> हमारे सर बोलते थे कि अरे यार ये तो हमारी चीती है चीती तो पर किसी ने कर दिया अरे ये क्या अखाड़े में खड़ी हुई हो तो कैसी सही बात है मैंने सेट पे मुझे क्या सीन किया चीती है क्या अखाड़ा है ये हज़ाज़ असल दिस इज़ राबिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन पूषा मैगजीन जब भी मैं नए टैलेंट को इन्वाइट करती हूँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे उम्मीद होती है कि हमारी इंडस्ट्री में अब और बेहतर काम होगा और हमें नए चेहरे नज़र आएंगे लेकिन आज जो मेरी मेहमान हैं मैं डबल एक्साइटेड हूँ क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश नाम थी इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रजेंट किया हुआ है शी इज़ द नेशनल चैम्पियन फॉर हाई जम्प एंड नंबर टू इन बैडमिंटन तो स्पोर्ट्स में इतने मेडल्स जीतने के बाद मुझे ये क्यूरोसिटी है कि एक्टिंग में वो क्यों आ गई हैं कैसे आ गई हैं एंड यू मिस बींग पार्ट ऑफ दैट यू नो होल स्पोर्ट्स फील्ड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक्टिंग में भी वो हमें बड़ा इम्प्रेस करी हैं हम रिसेंटली उनको मन्नत मुराद में देख रहे हैं एज इतरत लेस मीठर एंड फाइंड आउट

हाँ वो तब मुश्किल हो गया था थोड़ा सा मेरी कज़न जाई रही थी अब्रॉड तो उसने कहा तो मेरी पाँच भी रख लो मेरे पास खुद की भी छः थी तो वो ग्यारह हो गई थी तो आई डोंट माइंड मोहब्बत है या तो से या वीडियो से आई कॉन्ट फिगर आउट किससे से कि आपने पाँच ली दोनों से, से दोनों से अच्छा तो यू डन इंजीनियरिंग या राइट तो बचपन में क्या इंजीनियर बनने का शौक था या इंजीनियरिंग इसलिए हो गई कि कुछ और समझ नहीं आ रहा था <laughs> कहीं बचपन में एक्टिंग का कभी सोचा था या स्पोर्ट्स में ये जो तीनों चीजें की हैं इनमें से किसी की भी इंक्लिनेशन थी बचपन में ये जो मैंने तीनों चीजें की थी मुझे तीनों नहीं करनी थी <laughs> तो मैं क्या सोचती थी आप? <laughs> जब मैं छोटी क्या थी तो मुझे एयर हॉस्टेस बनना था oh. मुझे बहुत शौक था एयर हॉस्टेस बनने क्यों का नहीं हुआ क्योंकि वो, वो मम्मा ने नहीं करने दिया क्योंकि माय सिस्टर इज डेंटल सर्जन वो हॉकी भी खेलती हैं उन्होंने स्टेट लेवल हॉकी खेली हुई है wow. मेरे yeah. बाबा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई हुए तो आ, जब वो था तो एक घर में इन्फ्लुएंस होता है कि बहन डॉक्टर है तो तुम भी कुछ अच्छा करके दे देना तो उसके उसमें ही बस मैंने पहले मैंने बायोलॉजी ली थी नाइन्थ में मैंने कहा था चलो डॉक्टर बनने की कोशिश कर लेंगे मगर बहुत मुश्किल लगा फिर मैंने इंजीनियरिंग ले ली फिर मैंने कहा यह भी मुश्किल है फिर मैंने कंप्यूटर साइंस दे दी कंप्यूटर साइंस भी यू you नो know, एक yeah. उस तरह से हो जाता है ओके okay. तो फिर uh, मैंने कंप्यूटर साइंस की उसके बाद स्पोर्ट्स uh, का भी मैंने ये सोचा था mm -hmm. uh, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली थी तो मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने कहा कुछ एक्टिविटी करते हैं मुझे घर फालतू तो बैठना बिल्कुल नहीं पसंद तो आई स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन रैंडमली बट इवेंचुअली आई वेज सो गुड एट इट तो uh, जब मैं अपने उधर के यूनिवर्सिटी में तो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था तो उन्होंने मुझे ले लिया फिर मैंने उनको रिप्रेजेंट किया अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया फिर मैंने एच को रिप्रेजेंट किया फिर मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया फिर इसमें मैंने अपने नेशनल लेवल पे पूरा उसको रिप्रेजेंट किया फिर नेशनल लेवल पे मुझे मेडल मिल गया था उसके बाद फिर आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर वर्ल्ड गेम्स तो वहाँ से बस फिर जर्नी स्टार्ट हो गई अलहमदुल्ला मैं नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ और

अच्छा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब मैं बैडमिंटन खेलती थी तो एम टॉल तो यूजअली जब हम डबल्स uh, में खेलते हैं ना जैसे एक सिंगल्स होता है एक डबल्स होता है जब हम डबल्स में खेलते हैं तो यूजअली यूजली जो टॉल लोग होते हैं वो पीछे करते हैं hmm. पीछे रह के हम लोग लॉब करते हैं okay. हम उस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग hmm. करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो हम लॉब्स दे सकें और सेंटर वाले बहुत एक्टिव होते हैं शॉर्ट हाइटेड भी अगर हो तो चल जाता है बट मैं टॉल थी और मेरा अटैकिंग uh, गेम था और मैं फ्रंट okay. पे खेलती थी अच्छा okay. तो uh, एक दिन रैंडमली वो होने वाली बात होती है जो अल्लाह ने करना होता है मेरे कोच ऊपर आए हाई जंप के जो तब मेरे कोच नहीं थे तो उन्होंने मेरे सर असद हुआ करते थे बैडमिंटन के कोच तो उन्होंने कहा लड़की तो इतनी लंबी है ये बैडमिंटन में क्या कर रही है तो उन्होंने कहा बैडमिंटन कर रही है तो <laughs> <laughs> तो मतलब शी इज़ गुड एट शिशगोरेट तो इट yeah. तो उन्होंने कहा इसको नीचे भेजो ना हमारे इंडोर ट्रेनिंग होती थी बैडमिंटन की और नीचे आउटडोर ऑन फील्ड हम ट्रेनिंग करते थे हाई जंप की तो मुझे एथलेटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद था मुझे इंडोर बैडमिंटन में बहुत मज़ा आता था वो क्रेज़ होता है ना बैडमिंटन का कि मैं अपने रैकेट्स को भी रोज रात को साफ़ करी होती थी और सारा कुछ ना तो सर ने मुझे सरास देयर फ्रेंड्स उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम बिलाल के साथ जाओ ट्राई कर लो मैंने कहा सर कहाँ मुझे भेज रहे हैं ट्रेनिंग का टाइम है मैं, मैं प्रैक्टिस करूँगी मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना मैं नीचे गई तो हमारे दो तरह के जंप्स होते हैं एक सिजर होता है एक फ्लॉप होता है तो जब मैं नीचे गई तो उन्होंने कहा तुम सिजर कर लो सिज़र ऐसे होता है आप जाओ और बस ऐसे खड़े खड़े जंप कर लो तो मैंने वो उसी वक्त कर लिया था कोई चार फिट के करीब खड़े खड़े क्योंकि मैं टॉल लूँ स्ट्रेंथ थी ट्रेनिंग थी मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करी मैंने उस टाइम मैंने कहा मैंने क्यों ही कर लिया अच्छा <laughs> उस पर ना फिर मेरा सिलेक्शन हो गया पेशावर के लिए जाकर वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम बैडमिंटन को रोको फिलहाल और तुम जाकर तुम इस बार बैडमिंटन रिप्रेजेंट नहीं करोगी तुम हाई जंप करोगी तो मैं बड़ी अपसेट हो गई कि यार मैं दिल तो मेरा बैडमिंटन का ही था ना बस वो होने वाली बात थी फिर उन्होंने मुझे फ्लॉप सिखाया तो आई थिंक मैं नेचुरली गिफ्टेड थी फ्लॉप बहुत मुश्किल है आप उल्टा जंप करते हो लाइक अपने बैक पर तो उन्होंने मुझे फ़्लॉप सिखाया मैंने फ्लॉप सीख लिया तो वो करते करते फिर हाई जंप में इतना इंटरेस्ट हो गया और एक्चुअली हाई जंप में हमारे पास लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी तो उसमें मुझे चांस अच्छा मिला hmm. तो मैं आगे बढ़ती गई मेडल्स लेती रही तो फिर मैं हाई जम्पर ही बन गई फाइनली फिर मैंने बैडमिंटन छोड़ ही दिया बिकॉज यू नो अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छे कर रहे हो लाइक आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो मुझे भी सर ने वही समझाया कि बेटा किसी एक चीज़ पर फोकस कर लो hmm. क्योंकि यू आर रियली गुड एट हाई जम्प मेरे सर भी माशा से और रिकॉर्ड होल्डर रहे ओके तो आर्मी के थे वो अच्छा तो उनके साथ फिर मैं ट्रेनिंग किया करती लेकिन हाई जम्प जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा नहीं है कि बस यू नो इट लुक लाइक दैट सिंपल वो लगता है कि वो पूरी

हमारे Doing पास बाईस इवेंट्स हैं एथलेटिक्स okay. के अंदर हमें पता ही नहीं है हर्डल है फोर हंड्रेड है हंड्रेड है एट हंड्रेड मीटर्स है स्प्रिंट्स हैं काफ़ी कुछ है hmm. हमारे पास हमें पता ही नहीं होता hmm. तो जब मैंने किया तो मैंने कहा चलो सर ने बड़ा ट्राई किया कि मैं ट्रिपल जंप भी करूँ लॉन्ग जंप भी करूँ मैंने कहा मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी लेकिन हाई जंप बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है hmm. हाई जंप करने में बहुत मजा आता है बिकॉज मुझे क्या होता है जैसे वॉलीबॉल हमारी नेटबॉल वगैरह की भी टीम है मुझे टीम इवेंट्स नहीं पसंद क्योंकि मैं ना अपने डिसीजन वैसे पर्सनल लाइफ में भी खुद लेती हूं okay. तो मुझे पता है कि अगर मैं सही कर रही हूं तो इट्स बिकॉज ऑफ मी अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी वन के कल को okay. मैं बोलूँ जी राबिया देखें आपका ये बात मानी थी ना आपकी वैसे देखें yeah. ये हो रहा है मेरे साथ तो आई एम नॉट दैट पर्सन आई टेक माई डिसीजन माई सेल्फ लेकिन टीम इवेंट में क्या होता है आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं hmm. अब अगर कोई शॉर्ट मिस हो गया अब पूरा हमारा झगड़ा ये होता था कि तुम ये आ जाती ना पीछे एक कदम तो ये हमारी नहीं मिस होती तो टीम इवेंट में ये बैडमिंटन में भी ऐसा था कि ब्लेम कर देते हैं अगर हार गए इसकी वजह से हो गया इसकी ट्रेनिंग नहीं थी ये लेट आती है ट्रेनिंग पे कुछ भी हाई जंप में ऐसा नहीं है हाई जंप में ना आप चीटिंग कर सकते हैं ना आप जूतों में स्प्रिंग लगा सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही आप कोई इन्फ्लुएंस मतलब आप ही ना जाके जंप करके उछलना है तो उसमें आपको hmm. कोई मदद भी नहीं कुछ भी नहीं सो इट्स सोली यू सो इफ़ यू विन दैट्स बिकॉज इफ़ यू इफ़ यू लूज दैट मीन्स आपने कोई गलती की है या आपकी hmm. ट्रेनिंग कम है तो मुझे इसलिए भी बहुत चार्मिंग लगा हाई uh, जंप hmm. करना एंड ऑब्वियसली विनिंग इज़ एन एडिक्शन आई वुड से तो जब मैं जीतती रही hmm. और मुझे मेडल्स मिलते रहे तो देर वॉज अ टाइम आई स्टिल रिमेंबर जब मैं खेलने जाती थी इस्लामाबाद में जिना जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल रही हूँ <laughs> जिना स्टेडियम है वहाँ पर तो वहाँ पर जब मैं जाती थी तो वहाँ पर जो पंजाब से कॉल्स आती थी मेरे सर के पास वो ये कहती थी गोल्ड तो इसका है सिल्वर हाँ। और ब्रॉन्ज के लिए हम डिसाइड कर लेते मतलब तो पहले से पता होता हाँ, था, विन। तो वो पूछते थे आ रही है? हाँ। तो मेरे सर कहते थे क्यों नहीं आ रही तुम लोग सिल्वर और ब्रॉन्ज की तैयारी करो हम गोल्ड की करके आ रहे <laughs> तो वो होता था एंड ऐसा ही होता था अल्लाह का शुक्र है अल्लाह अल्ला ने हमेशा अच्छा ही रखा <laughs> uh, तो ब्रॉन्ज से मैंने स्टार्ट किया था ब्रॉन्ज भी लिया है सिल्वर भी लिया है फिर मैंने गोल्ड तो बहुत सारे लिए चीज है

माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी दैट मुझे लगता है आप वो उन लोगों में से हैं जो कोई कुछ करना चाहता है तो वो, कहते हैं मुझे करना है और मुझे अच्छा करना of course. है और मुझे लगता है अगर आप ये नियत कर लें तो अल्लाह फैसिलिटेट है। फेसिलिटेट तो करें तो आपके साथ मुझे वही चीज मेहनत तो राय का नहीं जाती चाहे आप उस एक्टिंग में करें मॉडलिंग में करें स्पोर्ट्स में करें या इंजीनियरिंग में करें तो पहला मेडल जब मिला क्या फीलिंग थी यकीन आ रहा था और यू न्यू मुझे मिल जाएगा में थे। हाँ। मेरा पहला था। ठीक है। और वो कोई नहीं था और वो, लोकल में ना। वो मैंने नेशनल्स में लिया था okay. उसके बाद uh, तो मुझे बस ये था टाइम अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनेशनली पाकिस्तान वो पाकिस्तान कलर आपको लग जाता है वो बहुत बड़ी बात है मतलब हमारे यहाँ तो इतना है नहीं अगर आप बाहर मुल्कों में जाए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कलर पाकिस्तान की जैकेट पहनना एक बहुत ऑनर की बात है और आपकी वजह से आपका झंडा किसी और मुल्क में हो समथिंग yeah. एल्स मतलब आई आई एम गेटिंग थिंकिंग अबाउट इट तो इट्स वेरी बिग थिंग जब मैं नेशनल्स की तैयारी करी थी तो सारा क्रेडिट मेरे सर को जाता सर अहमद बिलाल हुआ करते थे तो so, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं प्रेशर नहीं डाल रहा लेकिन तूने मेडल लेना है okay. कुछ भी लो कह रहे वैसे तो तुम गोल्ड से भी ऊपर की जंप कर सकती हो लेकिन फिलहाल तुम कुछ भी लो तो मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना है okay. मेरे दिमाग में वही चल रहा था hmm. और मेरे साथ ना हम अब तो मैं बाबडा से खेलती थी वाबडा की मैं एम्प्लॉय हो गई थी उसके बाद तो वाबडा आर्मी नेवी एयर फोर्स वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो एट दैट टाइम आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एच ई सी बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन से हुई थी तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से मैं hmm. uh, रिप्रजेंट करती तो एवरी वन वॉज टेकिंग कैजुअली लेकिन एक वो थी पूरे पंजाब में कि एक लड़की अहमद बिलाल की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कर रही है तो वो रहमान नाम है उसका मतलब चल रहा था तो जब मैं आई तो ऑब्वियसली मैंने भी सुना हुआ था कि ये उम्मे हबीबा आई हुई अच्छा ये गोल्ड हाँ। मेडलिस्ट है एट द मोमेंट तीन साल से जीत रही है अच्छा ये आर्मी वाली है तो बहुत लंबी है यार मतलब ये <laughs> कैसे हो और उन लोग के खाए पिए हुए और हाँ। उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छा। मतलब आर्मी वालों की ट्रे... मैंने आर्मी भी ज्वाइन इसलिए नहीं की थी जब वो डिपार्टमेंट के लिए थे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त हो बहुत एग्रेस है। होती है दो दो महीने कैंप्स में आना है और अगर आपने रिपोर्ट okay. नहीं किया वाप्डा वालों की थोड़ी सी ईज़ थी क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी उस टाइम पर तो मैं इतना नहीं जा सकती थी बट फॉर्चुनेटली मुझे कोच आर्मी का मिल गया था तो मैंने कहा चलो आर्मी वाली ही ट्रेनिंग चल रही है कर लेंगे मुकाबला तो तब मैं वहाँ गई तो ऑब्वियसली मैं नर्वस थी मैं पूरी ठंडी पड़ गई थी और मैंने सर से कहा था सर कैसे होगा और सर ने मुझे कहा था तुम ही हो यहाँ पे और कोई नहीं है और तुम कर लोगी एंड मैं गई और uh, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं uh, उस वक्त ब्रॉन्ज थी बट uh, मेडल लाना ज़रूरी था yeah. uh, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब सिलेक्शन के लिए ओके okay. तो वो हो गया था एंड आई क्राइड सो मच आई क्राइड सो मच मैंने कहा अल्लाह का, अल्ला का शुक्र है अल्लाह yeah. का शुक्र है क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तो अम्मी अबू से कोई साथ जाता था आपको या अकेले पार्टिसिपेट करती थी आ, आ, जब बिकॉज अब जब जीत रहे हैं जीत के आ रहे हैं उस वक्त मेडल मिल रहा है बट फैमिली पास है तो वो उसका और मज़ा आता है बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू

Yeah. उससे आपका जो अंदर से पॉलिश आपका निकलता है ना वो hmm. बहुत बहुत आपको रिजल्ट्स देता है okay. तो आ, ये तो कम, कम्पल्सरी था कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूं तो मेरे कोच मेरे साथ ही जाएंगे hmm. उनके बगैर तो मुझे लगता है मैं जंप ही नहीं कर सकती okay. मैं हर जंप से पहले पहले उन्हें देखती थी वो मुझे कहते थे हाँ इसको ऐसे करना तेरा स्टेप पे करना हो जाएगा अच्छा और हो जाता था पता नहीं कुछ कुछ था मुझे कितने लोगों ने कहा कि दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज तुम आगे जाओगे तो डिफरेंट कोचेज़ होंगे तुम काम ही नहीं करना चाहती अहमद बिलाल के बगैर तो इसको थोड़ा सा है लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस थी उस चीज़ की कि हाँ हा, तो उनके बगैर नहीं कर सकती और जब इंटरनेशनली पहली बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जब पता चला यू मेड इट

तो सर ने मुझे वही कहा आई स्टिल वी वर इन ताइवान एंड आई थिंक चार घंटे का सफर था वहाँ से बाली का तो पाकिस्तान से सब लोग गए थे गुजरा वाला से लाहौर से इधर उधर सब आए थे सब लोग बाली गए आईलैंड पे एंड सब ने मुझे फोर्स किया तुम चलो तुम चलो तुम चलो एंड मैं नहीं गई सब मुझे yeah. बताओ तुम स्टूपिड हो तुम ताइवान मैं गए मैंने कहा मैं ताइवान घूमने नहीं गई थी और आप यकीन करें मैं वहाँ भी सुबह उठती थी ट्रेनिंग करती थी अपना खाना खाती थी और जाके सो जाती थी नींद भी लेनी है डाइट भी करनी है इट्स नॉट इजी लेकिन अनफॉर्चुनेटली okay. हमारे मुल्क में इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज यो आर अ सेलिब्रिटी ओनली इफ यू आर इन दिस फील्ड दैट्स वट आई फील बिकॉज जब मैं वहाँ थी स्पोर्ट्स करती थी मेरे इंटरव्यूज तब भी होते थे मॉर्निंग शोज़ मुझे मैं तब भी जाती थी और प्रेस आती थी हम उनको भी बताते थे न्यूज़ चैनल्स वाले आते थे लेकिन कोई रिकगनीशन कोई अप्रिसिएशन उस तरह का नहीं था जब तक आप इंटरटेनमेंट से बिलोंग जब तक मैं इंटरटेनमेंट से बिलोंग नहीं करी नहीं। तो लेकिन uh, जब आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं uh, माशाला से आई वुड लाइक टू से कि हमारे बराबर इंडिया है एंड वहाँ के जो स्पोर्ट्स वाले हैं या किसी भी और मुल्क के जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं बींग स्पोर्ट्स मैन

तो हमारा झंडा सामने था एंड उससे पहले तो वी वर टेकिंग सेल्फीज़ ला मजा आ रहा है ये वो तुमने क्या किया तुमने वो किया सब कुछ अच्छा कल क्या करोगी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था uh, जब वो नेशनल एंथम हुआ और वो पाकिस्तान का झंडा वी ऑल ओवर क्राइम एंड ओनली देन आई रियलाइज कि मे बी आई एम पेट्रियाटिक एंड आई लव माई कंट्री बिफोर दैट होता है ना क्या mm. पाकिस्तान ये वो ये mm. लेकिन उस दिन आई वॉज लाइक मतलब शेड

कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा आपको फेस करने पड़ते हैं इज़ इट वेरी टफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ के फैसिलिटीज़ के बट ऑल्सो जस्ट ये मर्द औरत की चीज़ क्या होती है लोग देखते हैं वो औरत है सीरियसली नहीं लेते ऐसी चीज़ें भी होती हैं um, मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज़ ब्लेस्ड कि मेरे कोच मुझे ऐसे मिले कि बारह लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी okay. और मैं सबसे ज़्यादा वेट उठाती थी जिम में मुझे okay. देखते नहीं लगता होगा बट मेरे सर ने मुझे वैसा ही रखा hmm. उन्होंने मुझे कभी नहीं ना ये कहा ना कहने दिया कि सर मैं थक गई मुझे नींद मैं लड़की हूँ क्या okay. है थोड़ा सा तर्स खा लें कभी नहीं mm -hmm. अगर बारिशें हैं या कोई धरने हैं या कुछ है और मेरी ट्रेनिंग की जगह बंद है मैं सड़कों पे भाग रही होती थी सर के साथ ओके okay. और वो मेरे साथ साथ रहते थे ईद <coughs> so के बिलीव इन यू या ईद mm -hmm. के दिन वी यूज टू ट्रेन मेरी कोई छुट्टी नहीं थी बर्थडेज wow. हो शादियाँ हो नो मैटर वॉट मैं मेरी बहन की शादी थी और मैं सुबह ट्रेनिंग पे जाती थी और hmm. शाम को आके घर की चीज़ें करती थी और रात को टाइम से सो जाती थी क्योंकि सुबह पाँच बजे मेरी फिर ट्रेनिंग होती थी hmm. उन्होंने मुझे दिन में तीन तीन बार ट्रेनिंग कराते थे एक सुबह पाँच बजे दोपहर को हम करते थे फिर घर जाके सोती थी फिर मेरी शाम को टेक्निक होती थी लेकिन उनके अलावा उनके अलावा आई वुड से कि लोगों से ऑफ हंड्रेड परसेंट अगर मैं ब्लेस्ड थी तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था दूसरी जगहों पर ये देखने में कि वो इतना लोड नहीं डालते क्यों क्योंकि कहीं पर ये प्री कंसीव नोशन है किसने तो शादी करके चले जाना है ब्रेक आ जाएगा तीन साल का वापस आके वो परफॉर्मेंस थोड़ी दे पाएगी okay. तो एक ये है बट इस तरह से नहीं होता कितनी एथलीट्स हैं जो पेरेंट्स बन चुकी हैं उन्होंने वापस अपने आप को फिट किया और वापस वही परफॉर्मेंस देती हैं okay. तो आई थिंक जो आप पर बिलीव करें ना hmm. फिर वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया जो भी hmm. मैं कर सकी आज तक आपकी बातों से तो मुझे ये भी लग रहा है कि बड़ी डेडिकेशन की जरूरत है भाई हर काम है तो इज इट वर्थ वर्थेड बिकॉज मुझे आप इतना अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लेके चल रही हैं एंड गिवन इन पाकिस्तान पेस कर भी वैसा नहीं है नाम भी नहीं, वैसा नहीं कमाया जा रहा नहीं है तो व्हाट मेक्स इट वर्थ इट देन बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इन पाकिस्तान देखें जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई खास नहीं थी हुँ. मुझे शौक था मैं बहुत एक्टिव थी मेरा yeah. पैशन था लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि ऐसा कब तक चलेगा हुँ. मतलब बहुत कम पैसे देते हैं महीने के आप नहीं मतलब इतने कम पैसे देते हैं कि मैंने सर को बोला मैंने कहा सर इसमें मैं अपनी प्रोटीन पाउडर और मछली खरीदूंगी तो पैसे पूरे हो जाएंगे मेरी डाइट ही नहीं दे पा रहे आप मुझे एक एथलीट की तो बाकी के खर्चे कहाँ से होंगे तो ये एक बहुत सैड रियलिटी के मुझे ऐसा लगता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो आप स्पोर्ट्स से पाकिस्तान में अपना घर नहीं चला सकते नहीं चला सकते तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इट्स नॉट वर्थ इट लेकिन आई वुड से कि आप अपने बच्चों को कराएँ Train, मुझे कितनी ऑफर्स आए आपको पता है मुझे बाहर से ऑफर आई कि आपका पासपोर्ट भी चेंज हो जाएगा और आप यहाँ रेजिडेंसी भी देंगे आप हमारी तरफ से खेलें तो आपने क्यों नहीं किया पाकिस्तान की मोहब्बत में ओके okay. नहीं किया लेकिन hmm. वो नहीं मुझे उधर से नहीं मिला तो मुझे यहाँ स्विच होना पड़ा योर रीजन फॉर कमिंग टू टूटेनमेंट वॉज पे आपको कोई फाइनेंशियल गेन और करियर नहीं नज़र आ रहा था कुछ ग्रोथ नहीं है एज एन एथलीट मेरी कोई ग्रोथ नहीं है बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट नहीं है आप यकीन करें हमें जो मेट्रिसज़ मिलते थे हाई जम्प के लिए वो फटे पुराने इफ़ आई कैन मैनेज आई विल पुल आउट अ पिक्चर एंड शो यू फटे हुए गंदे उसी पे बारिश का पानी भी गिरा हुआ घीले दो दिन रुक जाएं सूख जाएंगे तो इसी पर कर... नहीं मिलती थी मुझे मेरे सर की वजह से उनकी दोस्तियाँ थीं तो हम कारसाज में जाके नेवी के साथ ट्रेनिंग करते थे उनके मैट्रसेस अच्छे होते थे क्योंकि वो फंडेड है हमें गवर्नमेंट लेवल पर तो कुछ भी नहीं मिला इक्विपमेंट्स नहीं है जो हम हमारी ट्रेनिंग लिमिटेड हो गई थी क्योंकि अब मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी वो एरेलीवेंट हो जाएगा ऑडियंस के लिए भी लेकिन हमारी ना लिमिटेड ट्रेनिंग हो गई थी क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे नहीं। एक बोर्ड होता है जंपिंग का उससे ना आपका डर निकल जाता है और हाइट के लिए अब वो स्प्रिंग लगा होता है उसमें नहीं। नहीं। जब तक मैं वो स्प्रिंग से वो हाइट छः फिट की नहीं करूंगी मेरा छः फिट का डर नहीं निकलेगा ये नहीं। तो एक ग्लोबली प्रैक्टिस है हाई जंपर्स के लिए डिफरेंट और इक्विपमेंट्स हैं ट्रेनिंग की चीज़ें हैं पूल्स uh, के अंदर ट्रेनिंग होती है आपकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो हम नहीं कर सकते थे तो uh, या तो फिर आप अपने जो मेडल्स दे रहे हैं चलो hmm. जो नहीं दे रहा उसका समझ में आता है बट जो आपको साल के चार मेडल दे रहा है आप उसे बाहर उस पर पैसा लगाएं hmm. उसको बाहर भेजें ट्रेनिंग सेशंस के लिए भी तो भेजा जाता है yeah. कतर भेजें कतर में uh, मुताज वर्शे में इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर ओलंपिक तो कतर का बेहतरीन है हाई जंप की ट्रेनिंग आप वहां भेजें आप कहीं और भेजें बैडमिंटन में अगर आए तो कोरिया चाइना ये लोग बहुत, अच्छा बहुत अच्छा बैडमिंटन करते हैं तो आप अपने बैडमिंटन प्लेयर्स को वहां भेजें पैसे नहीं लगाते ये लोग बिल्कुल नहीं भी नहीं लग रही कोई उम्मीद भी नहीं लग रही मुझे तो नहीं लगता अगर प्राइवेट फंडिंग आई या प्राइवेटाइज हो जाएगी तो मतलब चलो हां फिर भी नहीं

और uh, कुछ भी नहीं है इवन uh, वहाँ पर हमारी एक बहुत अच्छी uh, शबाना अख्तर हमारी एक लेजेंड है आई वुड से शी इज़ अ लिविंग लेजेंड नोबडी नोज अबाउट हर आई एम श्योर क्योंकि वही बात है कि उन्होंने एशियन एशिया Asia में अवार्ड लिया साउथ एशिया में लिया पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने अवार्ड्स लिए ओलंपिक yeah. रिप्रेजेंट किया व्हाट इज शी डूइंग नाउ शी इज कोचिंग इन वाबडा सो अर्निंग व्हाट बेसिक जो भी उनका पे ग्रेड होगा उस पर yeah. आप ऑनलाइन नहीं कर रहे भी भी नहीं नहीं है, एक, भी नहीं है तो है सो वेन यू सिट विद हर एंड शी टेल्स यू कि हम कैसे ट्रेनिंग करते थे और हमने क्या कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए किया तो फिर मुझे होता है फिर पाकिस्तान ने आपको क्या दिया hmm. मतलब ये आई थिंक हमारे जो हैं ऑफिशल जो वहाँ पर बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स के उनको hmm. सीरियस मुझे लगता है पाकिस्तान में वैसे ही मेजर मसले इतने हैं कि वो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स के साइड पे आके क्या किसी को हेल्प करेंगे बट दैट्स अ सैड रियलिटी ओके तो फिर व्हाई एंटरटेनमेंट व्हाई ड्रामा जब आपने सोचा कि अच्छा मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी uh, चाहिए और मैं कुछ और करना चाहती चाहिए सो so, इवन uh, जब मुझे समझ में आ गया था कि स्पोर्ट्स में पैसे नहीं है तब मेरा भी यही माइंडसेट था चलो अभी मैं अट्ठारहवें uh, सोलवें ग्रेड पर हूँ तो मैं इक्कीसवें ग्रेड पर आ जाऊँगी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर तो तब फिर मैं लाहौर चलो मूव हो जाऊँगी वागडा की हूँ वहाँ इतने इतने पैसे मिल जाएंगे मैं भी कोच बन जाऊँगी यही तो मैंने सोचा था ओके okay. ठीक है बट uh, uh, जब मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर कर आई तो एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी मुझे दो तीन मॉर्निंग शोज मिल गए फिर मुझे कॉल आ गई एजेंसी से कि तुम आ जाओ तो एक आधा मुझे स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एनर्जी ड्रिंक का कमर्शल मिल गया उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट हो गई तो मैंने क्या ये तो सही है मतलब yeah. ये तो बहुत सही पैसे मिल जाते हाँ हैं मुझे इसमें तो फिर वो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी फिर मैंने रैम्स किए फिर स्लोली स्लोली मेरा स्पोर्ट्स छूट गया बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकली यू नीड मनी टू सर्वाइव राइट एंड देन इवेंचुअली मैं एक्टिंग में आ गई एक्टिंग का सोचा कैसे और पहला पहली अपॉर्चुनिटी कैसे आई एक्टिंग का uh, करते करते ही आ गया मुझे किसी ने रेफर किया था जाओ ऑडिशन दे दो hmm. तो मैंने सबसे पहले एक um, क्या कहते हैं उसे वेब सीरीज की थी um, उर्दू फ्लिक्स के लिए की थी okay. उसके बाद मैंने डायरेक्टली एआरवाई का प्रोजेक्ट किया था बेरुखी, Be, बेरुखी उसके yeah. बाद से फिर बस वो साइकिल चल गया एक बार से करके एंड आई एंजॉय एक्टिंग मोर देन मॉडलिंग ना तो इट हैज माई हार्ट एंड आई वुड लव टू सी इट ग्रो इन पाकिस्तान बिकॉज आई टेल यू राब इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज जब मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा था ना आई गॉट डिप्रेसड बिकॉज आई वॉन्टिड टू डू बिकॉज अभी भी मैं अपने हाई जम्प के जूते देखती हूँ ना मुझे एक एंग्जाइटी हो जाती है कि I couldn't do it. मतलब hmm. I मतलब मैं इससे ज्यादा और क्या करती हूँ International hmm. level पे मेरी 18 ranking ले आई और अब और के लिए तो I need और facilities. True ये वाली बात है ना अब hmm. उस pace पे रहके तो पाकिस्तान की high jump उसी pace पे रह जाएगी जितनी yeah. पिछले सालों से है hmm. कुछ ऊपर करने के लिए मेरे पास height भी थी मेरे पास सब कुछ था आपको करना पड़ेगा अब आप क्या कर सकते हैं जाके दरवाजे बजा के तो नहीं मांग सकते कि भाई हमें दें तो खुद भी आपको कुछ रियलाइजेशन उनको होनी चाहिए कि फंस करें लेकिन हाँ इस बात का बहुत मुश्किल टाइम था जब मैं स्विच करी थी एंड सोचना कि मैं छोड़ दूँ बहुत बहुत मुश्किल है अभी बहुत, भी जब बहुत, uh, बहुत ज्यादा बहुत जब, जब, जब आप कुछ अचीव कर चुके हो इट फील्स लाइकअप इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था अब हम ना जिम में ट्रेनिंग करने वालों का ना मजाक उड़ाते थे क्योंकि हम लोग सर कहते थे कि जो आपको जमीन आपको वापस वो देती है ना पुश करती है वो देती है एक इफेक्ट देती है वो ट्रेडमिल पे भागने से नहीं आता और ये वो हम तो कहते हैं ट्रेडमिल पे ट्रेनिंग करने वाले और ये वो हम बड़ा वो करते थे क्योंकि हम लोग सर हमें पच्चीस पच्चीस किलोमीटर जॉगिंग कराते थे वार्म अप के लिए पच्चीस किलोमीटर सुनकर ही और मैंने और मैंने फॉर फ्री वो जो स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान होता है मैं पच्चीस किलोमीटर भागी थी पच्चीस किलोमीटर हम लोग महुद्दीन अकेडमी के पास जाके मैं म, ममान वगैरह मसाई टीम के लड़के लड़कों के साथ मैं पत भाग रहे हैं और बात यह है कि पता नहीं चल रहा बातें कर रहे हैं थोड़ा पानी पी लिया बातें करते करते हम कहाँ समंदर पे पहुंच गए वहां से भाग कर आ गए पता नहीं बीस पच्चीस किलोमीटर हम बस चलते रहे चलते रहे घंटों की और ऐसा लगा उसके बाद रुकने के बाद भी ना आपकी टांगें चलती रहती हैं <laughs> एकदम से आप रुक भी नहीं सकते इस तरह की हम लोग ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद हम बड़ा मजाक उड़ाते थे जिम में तो फेक है ये क्या ये ये तो कुछ भी नहीं होता तो लेकिन अब मैं जब जिम जाती हूँ तो मुझे उसका भी होता है कि वही आ गई मैं क्या करूँ अब मैं <laughs> नहीं वेट करी थी कहानी हाँ। इधर तक कब तक आएगी हाँ। मुझे लगता है रहमा जो जिंदगी में लिखा होता है अल्लाह से वही प्लान होता है आपको, आपको अल्लाह वहां तक लेकर गया इतनी आपको इज्जत दी इतनी अचीवमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको दी और अब अगर आपको अल्लाह यहाँ लेकर आए तो आई एम श्योर ही अ प्लान फॉर बट यू शुड एक्सट्रीमली प्राउड जो कुछ आपने सब किया yeah. है मैं तो सोचू कि आपकी कहानी से मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी आई सो so. कि वो जिस भी फील्ड में स्पोर्ट्स या किसी में भी इट्स योर डेडिकेशन आई एम Finding it very, very, you know, and inspiring, के कुछ भी भी आप आप कर रहे हो हाँ, वो जितना ना जिसमें मैं अभी एक मेरा question भी है yeah. जिंदगी में distractions में इतनी कैसे यू कीप सो फोकस्ड बट एक्टिंग पता था कर सकती हूँ नहीं कर सकती कुछ प्रैक्टिस करती थी नहीं, का, चलो ट्राई करती भी नहीं कभी भी नहीं कुछ प्रैक्टिस तो पहली बार अपने आप को टीवी पे देखा तो रिएक्शन

तो अब मैंने कहा ये तो मतलब अच्छा हो गया ज़ाहिर है जब आप शुरू में जाते हैं आपको लुक समझ नहीं आता बाल कैसे रखें मेकअप कैसा करना है फिर विद टाइम थोड़ा आप ग्रोम हो जाते हो कपड़े पहनने की समझ आ जाती है इंडस्ट्री में रहकर तो वो सब हुआ बट आई लव एक्टिंग आई एंजॉय एक्टिंग आई मीन या अच्छा मुझे इतना मैं अभी जब इंटरव्यू की तैयारी करी थी तो मुझे इतना स्ट्राइक कर रहा था कि स्पोर्ट्स इज अ वेरी सिंपल यू नो फील्ड इन टर्म्स के आप जा रही हैं आप बिल्कुल बेर बेसिक चीज़ों में करते हैं लेकिन एक्टिंग और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके बिल्कुल ऑपोजिट इतना ग्लैमर इतना मेकअप वो चेंज भी तो आपको लाइफ स्टाइल में एडजस्ट करना पड़ा होगा और पूरा इतना जैसे आप बोल रही है वही अभी आप मेरा मेकअप किट की बात कर थी तो करिए बड़ा है पूरा मैं अगर आपको वीडियो <laughs> ना तो एज लाइक ये आपका ही आपके मेकअप आर्टिस्ट का बाई चांस आ गया है you know? <laughs> नहीं नहीं ये मेरा खुद का है तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो मुझे मेकअप पसंद ही नहीं था hmm. क्योंकि हमारी फील्ड में मेकअप दूर-दूर तक है ही नहीं जो स्पोर्ट्स हाँ। हम करते थे yeah. तो दिल्ली उठ गया था हम लोग ट्रैक में छुट्टी पे पे तो है नहीं तो वो बड़ा रफ एंड टफ वाला था ना बाल ना कुछ चेहरा देखना कुछ भी नहीं बट ऑबली आई थिंक ये इस फील्ड की डिमांड है कि आपको होता है स्लोली स्लोली फिर मैंने कहा जब डिमांड है तो

क्या हो गया तो आई हैड टू टोन डाउन बिकॉज़ मैं लड़कों yeah. के साथ रहती थी दैट्स नॉट माय फॉल्ट तो मैं hmm. उन्हीं के टर्म्स और उन्हीं की सारी चीजें मतलब मुझे फील भी नहीं होता था वो जो चाय की जगह होती वहाँ पे yeah. हाँ भाई दो कट लाना तो अब ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेंज uh, yes, sure, yeah. हो गया yeah. क्योंकि उस वक्त तो यही था आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 18 बट आप बात भी कर रही हैं तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही <laughs> कि आप इतने लड़कों आ, वाले स्टाइल में बात करती हूँ बहुत हम लोग करते थे हमारे तो, मजाक भी सारे वैसे ही होते थे और पता नहीं क्या क्या हम कर रहे होते थे तो जाहिर है तब जहाँ जो जैसा होता है वैसा ही हो जाता है इंडस्ट्री में जब आप आ गई चले पहले करते हैं पेरेंट्स का उनका क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा बिकॉज इतनी सीरियस स्पोर्ट्स से आप इतनी यू नो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रही हैं ग्लैमरस एंड जिसके बारे में इतनी चीज़ें भी होती हैं वैसे तो आई फील योर पेरेंट्स हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँची भी हैं फिर भी कुछ रिएक्शन आया उनका कुछ सपोर्ट थी um, या मसला था एक्चुअली मेरा ऑनेस्टली जो स्मूद uh, था ना वो बहुत स्मूथ था आई okay. मीन uh, I mean, ऐसा नहीं था कि वन डे मैंने कहा बस अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ रही हूँ मुझे तो एक्टर बनना है और घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं था होता है लड़कियों hmm. को कब से एक्टर बनने का शौक होता है मुझे मतलब स्मूथ ही था स्पोर्ट्स के लिए तो बाबा तो बहुत ही खुश थे क्योंकि hmm. वो खुद भी खेलते रहे मेरी बहन भी खेलती रही तो हमारे यहाँ बड़ा उसका वो था कि हाँ हाँ स्पोर्ट्स करिए तो करेगी जबरदस्त तरीके से तो वो बड़ा था अब स्पोर्ट्स के लिए ही इंटरव्यू में बुला लिया तो भाई स्पोर्ट्स का ही तो इंटरव्यू है अब स्पोर्ट्स के लिए ही मुझे कमर्शियल मिल गया कि भाई वो जॉगर्स का कमर्शियल तो है इसका कमर्शल आदत हो गई थी तो वो मतलब कैमरा फेस करने लग गई मैं मॉर्निंग शोज पर जाने लग गई मैं फिर मॉडलिंग भी हो गई तो शुरू शुरू में ही था कि आ, मामा को था कि मैं चल लूँ साथ देख लूँ क्योंकि बिल्कुल इंडस्ट्री का माहौल नहीं पता तो एक दो पे वो आई ठीक रहा तो फिर अब तो खैर सभी को आदत हो तो गई है अब है। तो हाँ अब तो क्या जब <laughs> मैं पहले जा रही थी पिशावर तो ममा गॉट क्योंकि मैं पहली बार डोमेस्टिकली अकेले ट्रैवल कर रही थी अपने <laughs> स्पोर्ट्स के लिए मेरे नहीं, नहीं, नहीं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की बात okay. कर रही तो उस पर फिर ममा ने कहा था कि आई मिली सबसे देखो कैसे ये वो लेकिन फिर वो भी डर निकल गया फिर तो मैं अकेली जाती थी अकेले आते थे हम तो तो इंडस्ट्री में जब आप आ गई ड्रामा आपने शुरू कर दिया उसके बाद काम मिलना आसान था एनी चैलेंज दैट यू फेस्ड नहीं आई स्टिल फाइंड इट डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो फर्स्ट मुझे ऐसा लगा शुरू में मैंने जितने भी ड्रामे किए चार पाँच मैंने सब कर ली बालों में किए hmm. तो मुझे ऐसा लगा मुझे बहुत साइड साइड से करेक्टर्स मिल रहे हैं इसकी वजह से बालों की वजह से हाँ मुझे ऐसा मुझे काफी लोगों ने सेट पे भी कहा तुम तुम डायरेक्टर्स के साथ अगर इंटरव्यू पर भी जाओ तो अपना बाल स्ट्रेट करके जाना स्टेट बालों में हीरोइन बनोगी स्टेट बालों में पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिलेंगे मैंने कहा ऐसा मतलब राभिया मैं भी इसी पाकिस्तान कराची में रहती हूँ हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं और मेरे करली बाल है ना बिल्कुल आई एम सर्वाइविंग ना विद माई हेयर सो वॉट आई मीन सो या तो आप करली बालों वालों को पागल दिखाते हैं कि पागल हैं तो इनके करली बाल हैं या वो नेगेटिव है तो उनके करली बाल दिखा दिए इवन जिनके स्ट्रेट बाल हैं उनको नेगेटिव करेक्टर मिलता है तो वो अपने बाल क्रिम कर लेती हैं क्यों कर लेती हैं भैया आप मतलब हम पॉजिटिव नहीं हो सकते क्या hmm. तो ये मुझे थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े फिर मैंने उसके प्रेशर में आकर अभी मन्नत मुराद में, में मेरे स्ट्रेट बाल हैं अभी जो मैं एक और प्रोजेक्ट शूट कर रही हूँ यार वाई का उसमें भी मैंने अपने बाल स्ट्रेट रखे मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके बाद देखते हैं क्या होता है तो चैलेंजेस uh, तो हैं मतलब uh, ये तो एक फैक्ट है मुझे ऐसा लगा मेरे लिए अभी तक कुछ इतना स्मूथ नहीं है कि मेरे पास पाँच छः स्क्रिप्ट पड़ी हैं और hmm. मैं चूज़ करना चाहूँ तो कर लूँ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप इट गेट्स बेटर विद टाइम सो स्क्रिप्ट्स हैं नहीं आपके पास बिल्कुल जैसे आप कहनी चार पाँच स्क्रिप्ट या फिर आपके पास स्क्रिप्ट हैं लेकिन वो वो वाले स्क्रिप्ट जो आपको चाहिए उसमें आपको लगता है कि यार अब मैंने शुरू के कर ली हैं जहाँ मैं इतना इतना रोल कर रही थी अब मुझे वो रोल चाहिए जहाँ जा मेरी एक्टिंग का परफॉर्मेंस मार्जिन ज़्यादा नजर आए मुझे दोनों बिल्कुल मुझे मिला जैसे बेरुखी में भी मेरा शुरू से लेकर आखिर तक काम था मैं वो हमने उधर से ही आपको नोट करना शुरू किया था वही बात है ना रबिया लेकिन कब तक इंसान छोटी बहन का कैरेक्टर कर सकता है इवन अभी ये वाला प्रोजेक्ट भी नहीं छो, मैं छोटी बहन हूँ जो तो ऑब्वियसली uh, मुझे लगता है ग्रोथ होनी चाहिए एज एन एक्टर भी सभी की होती mm -hmm. है अब आई डोंट नो ऑन वॉट बेसिस कि आपका कोई ड्रामा हिट हो तो जाए बिकॉज आई मैं स्पोर्ट्स से ही बहुत मेहनती mm -hmm. लड़की हूँ तो मैं अपने काम पर भी बहुत मेहनत करती हूँ तो लेट्स आई होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए कुछ बेहतर लेकिन फिलहाल तो आई हैव टू स्ट्रगल अ बिट काम इतना ज्यादा मुझे लगता है अभी मेरे लिए नहीं है hmm. तो uh, हाँ जो आता है फिर मैं कहती हूँ चलो कर लो सो so, ये uh, आपको करता है डज इट टेक अ टोल ऑन योर अभी तक तो नहीं कर रहा था बट अभी रिसेंटली जब सबने मुझे बोला कि कब तक छोटी बहन बनोगी तुम तक तो छोटी बिकॉज मुझे मुझे अभी भी याद है मैं एक जियो का प्रोजेक्ट शूट करी थी तो उस पर मुझे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था कि यू लुक वेरी पिटी तुम्हारी हाइट भी है तुम्हारी लुक्स भी हैं तुम क्यों छोटी बहन का करेक्टर करती हो क्यों तुम ऐसा करैक्टर करती हो तुम्हें तो हीरोइन आना चाहिए आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड हर आई सेड आई एम नॉट इन दैट रेस आई मीन जब होगा जब लिखा होगा तो मिल जाएगा मैं उस रेस में नहीं हूँ कि देखो इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला मैं कॉल्स yeah. करूँ उसको क्यों कास्ट किया मुझे क्यों न... नहीं सो आई हर कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ कि आ, मुझे हीरोइन बनना है या उसको काम मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला मैं कॉल करूँ जी आपने उसे कास्ट कर लिया मुझे क्यों नहीं किया इस रोल के लिए उस टाइम तक मेरा माइंड सेट था कि जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है मुझे जो कैरेक्टर दिया जाएगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगी फिर उसके बेसिस पे मुझे क्या नेक्स्ट मिलता है वो देखते हैं बट रिसेंटली मैंने देखा है मुझे बहुत मैसेजेस और बहुत इधर उधर से सब कुछ कि आपको लीड करना चाहिए आप ये क्यों नहीं कर रही हैं आप कब तक छोटी बहन बनेंगी और मुझे एक्टर्स ने भी बोला कि तुम अब ये मत करना अब तुम लीड करना अब तुम ये लेकिन मुश्किल है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो कैसे मतलब हम कोशिश करते हैं बट uh, uh, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगेन अवाम का बहुत हाथ है कि जो जिसको uh, जितना पसंद करे जितना डिमांड करे किसी का कभी कुछ वायरल भी हो जाता है वो भी उसके फेवर में एंड uh, अप करता है तो लेट्स सी ओके डू यू थिंक इंडस्ट्री में जो ये आसपास के लोग हैं विदाउट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम या कोई भी फील्ड का कोई भी hmm. वो खास उनकी ये बातें भी न्यू कमर्स के लिए मुश्किल क्रिएट करती हैं या न्यू कमर्स के लिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं जैसे अब ये आपको बार बार बोला जा रहा था शुरू में भी कि तुम नेगेटिव रोल नहीं करना तुम छोटी बहन कब तक करोगी तुम्हें तो हीरोइन आना चाहिए क्योंकि हर एक्टर का एक जर्नी होता है अब अगर इस तरह की आप बातें सुन रहे हैं तो आप एक प्रेशर आ जाता है कि ओ आई कॉन्ट टेक दिस रोल एंड डू यू थिंक ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए इज़ इट रियली समथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग मुझे ऐसा लगता है बात करने का एक तरीका है okay. एक तरीका होता है जिससे आप अगले को पॉजिटिव या नेगेटिवलीफ्लुएंस कर सकते हैं ठीक है सो so, अगर कोई मुझे ये कह रहा है तो मेरे अच्छे के लिए कह रहा है mm -hmm. की लीड करो अच्छी बात है लीड mm -hmm. करो बट इस तरह से कहना तुम ये क्यों कर रही हो तुम्हारा तो करियर बर्बाद हो जाएगा कब okay. तक छोटी बहन करती रहोगी इसी कैटेगरी में आ जाओगी फिर नहीं मिलेगा लीड का करेक्ट yeah. ये गलत बात है yeah. इस तरह से बोल करना आप या तो मैं छोड़ दूँ फिर फील्ड yeah. या फिर मैं एटीट्यूड में आ जाऊँगी कि मुझे नहीं ये करना और मैं आए हुए रिस्क को मना करना शुरू yeah. कर दूँ एक तरीका होता है पॉजिटिवली बताने का कि देखो तुम ये कर रही हो अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिले एक आधा और करके देख लेना फिर एटलीस्ट अपनी डिमांड रख के देखना कि मुझे पैरल लीड दें या कुछ दें सेकेंड लीड दें टाइटल दें फिर इवेंचुअली तुम उस पर आ जाओगी ये, किस, ये एक पॉजिटिव तरीका okay. है किसी को समझाने का जो मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे बोलेगा मेरे अच्छे के लिए मैं दूसरे तरीकों में कहना तुम तो बहन ही बनती रह रही हो फिर बहन बन गई फिर दोस्त बन तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि करता है सी मैं कोई एक्टिंग पढ़कर नहीं आई तो आई डोंट माइंड अगर मुझे दो साल में सीखना मेरे सीखने का प्रोसेस था ना मैंने बहुत कुछ सीखा मैं शायद दो साल पहले मुझे अगर लीड मिलता तो शायद मैं फ़्लॉप हो जाती नहीं। मैं नहीं कर पाती मैं नहीं संभाल पाती मुझे कैमरा नहीं पता मुझे एंगल नहीं पता मुझे अपने आप को ग्रूमिंग नहीं पता कपड़े नहीं पता मेकअप नहीं पता मैं मैं शायद नहीं कर पाती तो मुझे लगता है अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है अब इन दो सालों में मुझे टाइम मिला बहुत अच्छे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने वो काफ़ी कुछ सीख लिया जो मुझे लगता है जब अगर मेरे ऊपर पड़ेगी तो अब मैं संभाल सकती तो आपका एक्टिंग जो आप बात है है? सीखने का क्या प्रोसेस मुझे लगता तो uh, किसी की भी कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी अगर है ना रोते हुए hmm. उसने कहाँ पॉज लेके सांस ली okay. तो मैं वो पिक कर, कर लेती हूँ okay. मुझे अच्छा लगता है सीखना okay. इसलिए सो so, आपकी ऑन साइड ट्रेनिंग हो रही है ऑन द जॉब क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो मैंने भी नोटिस किया है कि जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो मेकअप रूम में बैठे रहते हैं अपने सीन के बाद खेल रहे हैं गाने सुन रहे हैं बातें कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं खा पी रहे हैं मुझे होता है अगर आप देखेंगे मैं डायरेक्टर के पीछे खड़ी भी होती हूँ ओके okay. और मैं जो सीनियर सीन कर रहे होते हैं ना या जो इंटेंस सीन उनका होता है मैं वो देख खड़े होकर पीछे देख रही होती हूँ कि ये इन्होंने कैसे किया इस पर इन्होंने ये मूव बना लिया ये नहीं था अच्छा इस पे इन्होंने टोन बढ़ा दी hmm. या इन्होंने सिर्फ लुक दे दिया जुमला काट दिया अपने hmm. हिसाब से तो आई थिंक मैं पढ़कर तो नहीं आई नापा से तो आई थिंक मुझे लगता है मुझे अपना हाजिर दिमाग होना है ऑन सेट टू लर्न बेटर ओके सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों से सीखी हैं तो uh, uh, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है uh, क्या है, कोई एक दो चीज़ें थी जो आपको इंडस्ट्री के बारे में बड़ा शौकीन जब वन यू जॉइंट द ड्रामा इंडस्ट्री

Uh, मैं इंडस्ट्री में भी अपने वो अदब आदाब बड़ों का करना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रबिया मुझे लगता है बड़ों को इज्जत चाहिए आपके खानदान में भी काम पे भी कोई सीनियर आता है तो जस्ट प्रैक्टिस आई स्टैंड अप नो मैटर वट मैं मेकअप कर रही हूँ खाना खा रही हूँ बिकॉज आई आईव लर्न दैट मेरे घर से आई 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 कॉन्ट इमेजिन कीप डूइंग वट एवर आई एम डूइंग एंड कोई सीनियर आ जाए ईर्षा जी आ जाए या mm -hmm. कोई आ जाए मैं इमेजिन नहीं कर सकती खुद को मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से अम्मा का थप्पड़ आएगा कि तुम बड़ा कमरे में आया और तुम खड़ी नहीं हुई क्योंकि यू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम योर होम तो जो भी आता है आई स्टैंड अप आई ग्रीट दैम असलामीकुम जैसे भी करके वेन दे सिट आई सिट आई लेट दैम ईट फर्स्ट सो ये छोटी 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 mm -hmm. चीजें होती है मुझे लगता है आपको ये बेसिक मैनर्स अपने साथ रखने चाहिए लेकिन मैं जो सबसे जो आपका सवाल था शॉकिंग वो यही लगा कि कोई चीज़ें पटक के सेट छोड़ के चला जाए उसके पीछे पूरा चैनल लग जाता है आप अगला ड्रामा भी कर लें आप प्लीज़ सेट पर आ जाएं क्योंकि मैंने ये देखा नहीं है अपनी जिस फील्ड से मैं आई हूँ मेरे फील्ड पे जो बॉस है वो बॉस है जो कोच ने कह दिया वो ही होगा जैसा वो कह रहे हैं मुझे कहीं जाना हो राबिया मैंने महीने पहले से इजाज़त ली हुई और सर से कि सर चौबीस तारीख को मैंने आ जाना है सर ने कह दिया कि आपकी दो घंटे ट्रेनिंग और है मेरी मज नहीं।, नहीं थी मैं कह दूँ कि सर आपको कुछ कुछ भी भी नहीं है नहीं और अगर मैं मिस बिहेव मैं सोच नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ होता था मिस बिहेव किया आप डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर तमीज़ नहीं है आप जाए सर ट्रेनिंग नहीं दोबारा कराते थे उस बंदे को आई हैव सीन सो मैनी पीपल जिनको सड़ने का जाओ तो, तो आपको ये मतलब आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि जो ऑन सेट पे लोग हैं प्रोडक्शन हाउस एंड द होल टीम वो भी रिस्पॉन्सिबल है फिर एक्टर्स किस तरह की एटीट्यूड और इस तरह की टेंट्रम्स को बढ़ावा देने में क्योंकि आप ले रहे हैं तो वो करें जैसे आप इतनी सिंपल सी बात बताई कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई वो टोल्ड कि इस तरह किया डिसिप्लिन नहीं होगा तो निकल जाओ भाई नहीं है। है। आओ वापस या जो भी करते सस्पेंड कर दें फॉर सम टाइम बट देर इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड यहां पे कॉन्सिक्वेंसिस नहीं है इसीलिए ये चीज़ हम देख रहे हैं शायद ये चीज नजर आ रही है जब आप बता रही थी अभी कि आप ऑन सेट देख के अपने सीनियर से भी लर्न कर रही होती है तो कभी ऐसा होता है कि कॉल करके पूछ लिया कि मुझे ऐसा करना है मैं क्या करूँ और क्या वो लोग आपके जो सीनियर्स हैं वो हेल्प करते हैं हमेशा हुँ? हमेशा हेल्प मुझे तो बहुत अच्छे लोग किसी, मिले से आपने कुछ किया हो जो आप बता सकती हैं किससे पूछा आ... हो किसी ने कोई हेल्प की हो मुझे ईर्सा जी ने काफ़ी हेल्प की मुझे मिजना ने बहुत हेल्प की आ, मुझे फायज़ा जी ने हेल्प की मन्नत मुराद में मैंने जो मुझे वजह हुसैन से मैंने जो पूछा सर ने मुझे बहुत हेल्प की जहाँ भी मैं जाती हूँ वर्किंग विद रुबीना जी रुबीना अशरफ तो उनके साथ मैं कभी बैठ के बात करती हूँ हम डिस्कस करते हैं पहले का एक्टिंग कैसा था अब का एक्टिंग कैसा है और क्या फ़र्क है मुझे समझा रही होती हैं टिप्स एंड टेक्निक के बेटा ऐसे करना ऐसे करना तो मुझे अक्सर अपनी एज ग्रुप के लोगों से ज़्यादा सीनियर्स में बैठ के मज़ा आता है क्योंकि उनसे आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना रबिया चाहे मैं यूनिवर्सिटी जाती थी या स्पोर्ट्स में जाती थी मुझे लगता है हर दिन अगर मैं कहीं गई हूँ और मैंने वहाँ से कुछ अगर नहीं सीखा ना कोई एक बात तो मेरा दिन ज़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वन एवर आई गो ऑन सेट आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू एक दिन पे चाहे वो कुछ भी हो छोटी सी नसीहत भी हो तो मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ मुझे बड़े मज़े मज़े के किस्से और उनकी मेहनतें अपनी सारी चीज़ें बताते हैं तो आई लाइक टू कीप माई माइंड फोकस्ड ऑन वर्क वन आई एम वर्किंग बिकॉज अक्सर लोग इस काम को भी बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ चलो नहीं कर रहा नहीं कर रही कपड़े आएंगे तो सीन होगा मेरा टचअप होगा तो सीन होगा पता भी नहीं चलता रहा अभी मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा स्क्रीन पे तो होते हैं लोगों के टेंट्रन्स होते 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 हैं लोग ले रहे हैं तो वो क्या लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया हाँ, बाहर जाती है हाँ बहुत मज़ा आता मताँ? है जी बहुत मज़ा आता है स्टिल मैं एक मॉल में गई थी लोग पहचानते हैं वैसे भी लेकिन जो मेरा फेवरेट इंटरेक्शन था वो एक बच्ची थी लाइबा छोटी okay. सी बच्ची थी और uh, मैं तब मेरे हम नशीन करी थी तो उसने मुझे देखा मॉल में फूड कोर्ट से गुजरते हुए एंड वो आके ना मेरे गले लग गई डॉक्टर बिया डॉक्टर बिया करके मैंने आपके फैन पेजेस बनाए हुए पता है वो मैं हूँ जिसने आपको टैग किया था आपने रीशेयर भी किया था आपको याद है एंड शी शी वाज सो स्वीट वाज सो स्वीट तो वो मेरा एक फेवरेट इंटरेक्शन आप था। उनको हेलो बोलते हैं हेलो लाई बाई होप यू वॉचिंग इट सो बहुत अच्छा लगा था वो एक मेरा फेवरेट वो एक इतना ऑनेस्ट इमोशन था ना उस बच्चे का तो बहुत अच्छा लगता है लोग आपको पहचानते हैं आपसे प्यार करते हैं इज़्ज़त करते हैं कहीं भी जाओ तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग सो रह जितना मेरी आपसे मुलाकात हुई वैसे भी हमारी कौन ऑफ बात होती रहती थी लेकिन अभी रिसेंटली मेरे और रहम के दो तीन इंटरेक्शन बहुत क्लोज हुए हमने इनके साथ एक दो शूट्स किए हैं Um, मुझे लगता है आप बड़ी ऑनेस्ट बड़ी साफ़गो गो बड़ी सादिल यू नो लड़की हैं yeah. और uh, थोड़ी सी मुझे सिंपल लगती हैं इंडस्ट्री के लिए डू यू फील डू यू गेट टू हेयर दैस डू यू फील समटाइम्स दैट यू फाइंड योरसेल्फ सेल्फ कि आप यार ये मुझे थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा यहाँ पे या ऐसे इंटरेक्शन होना, होना नहीं चाहती रहा आप होना नहीं चाहती हूँ एंड आई आई विश कि आप नहीं हो बिकॉज पता है ये चीज़ आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपका माइंड सेट खराब कर देती है और लिकिन... मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ आई हूँ अब तक यहाँ तक एंड आई डोंट टू किल सो ये मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट टू क्वेश्चन कभी आ रहा है इसी से रिलेटेड लेकिन ये बताएं सुनने को मिलता है या, या आपको ये इंप्रेशन मिलता है लोगों की नज़रों से या ये क्या बातें करी ये तो बड़ी सब्जीट फॉर दिस फील्ड ऐसे करोगे तो तुम्हें तो लोग खा जाएंगे hmm. तुम्हें तो लोग सो हाउ डू यू नॉट लेट इट अफेक्ट यू नहीं आई डोंट वॉन्ट टू लेट इट अफेक्ट मी इन एनी वे बिकॉज अगर ये मेरे सर चढ़ गया ना कि हाँ मतलब अच्छा तो मैं वो ध्यान उधर देना ही नहीं चाहती जितना काम मिले अच्छे से मिले से मिले, ना जैसे हैं उसके साथ ओके okay होना थोड़े अरसे बाद आता है जब आपने hmm. जिंदगी में कुछ देख yeah. लिया जब आपने थोड़ा सा टाइम गुजार लिया है तब आता है you know, पे मैंने बहुत कम देखा है बट आई सी दिस स्ट्रेंथ

बाथरूम में जाके बहुत मुझे लगा कि यार ये इस तरह से हो गया या मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती मुझे कुछ ऐसे कह दिया या ऐसा फील हो गया तो um, होता है बट uh, मुझे ऐसा लगता है रबिया कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव एक स्ट्रॉन्ग फेथ है कि अल्लाह का प्लान एक तो आपके प्लान से बेहतर होता है और अल्लाह आपके लिए जो भी करता है ना वो बहुत बेहतर होता है और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है मैं ए करना चाहती थी मैं मेरे साथ बी हो गया और मेरे साथ उस वक्त बी नहीं चाहती थी मैं बट बी वॉज द बेटर प्लान तो ये एक चीज़ है जिसपे मुझे बहुत और अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है आई एम सो ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में हिफाजत भी करी और सक्सेस भी दी और एक अच्छे तरीके से मतलब मुझे कुछ उल्टा फुलटा इधर उधर का साइड का रेफ लाइट नहीं करना पड़ा और मुझे तो मुझे मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ कि हाँ जो भी होगा वो होगा मुझे इस टॉक्सिसिटी में और इस चीज़ के अंदर जाना ही नहीं है वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ये मुझे क्यों नहीं मिला इसको कॉल अब इसके साथ काम नहीं करूँ नहीं आई डोंट डू दैट क्या एक दो चीज़ें आपको लगता है एज अ न्यू कमर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इंडस्ट्री कर ले तो ट्रांजिशन जो लोग नए आते हैं उनके लिए आसान होगा उनके टैलेंट को ज़्यादा अच्छे से इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करके रिफ़्लेक्ट कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है नॉट फ़ायदे के लिए इस्तेमाल मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री को भी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है उस तरह के टैलेंट की क्या एक दो चीज़ें आपको लगता है होना ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आपको करना चाहिए नए एक्ट्रेस पे ओके बिकॉज बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह सब लोगों में बहुत पोटेंशियल है जो नए एक्टर्स हैं आप उनके साथ ट्राई करें ठीक उनको मौका दें तभी आप कर सकते हैं मतलब हो सकता है मुझसे अच्छे एक्टर्स घर पर बैठी हुई होंगी क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए उन लोगों को और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए और इस सास बहू वाले थीम से निकल के डिफरेंट एक्टर्स की भी वर्सीटैलिटी को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि उनको आप कैरेक्टर बेस्ड कैरेक्टर्स दें कि जो चैलेंजिंग हो तो ही मजा आता है ना मुझे तो काम भी वैसा करने में मज़ा आता है लेकिन क्या करें इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता तो आई वुड लव टू डू सम आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन बट वही बात है कि वो उस पर शायद एक नए एक्टर को उतना चांस ना मिले अगर uh, जो ख़वा बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं अचीवर्स होती हैं एम्बिश होती हैं क्या वो आस पास के लोग को ओवरवेलम कर देती हैं कि आसपास के लोग उनसे ओवरवेलम हो जाती हैं स्पेशली हम्म यस विद आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस देयर आर सम पीपल स्पेशली मेन जो इफ यू आर विद और भाई भाई तो नहीं आई योर फ्रेंड्स और व्हाटएवर तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल नेवर एक्सेप्ट और इट इफ दे लाइक जेलस और टॉक्सिक टाइप कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली देर नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस बिकॉज इदर योर अर्निंग मोर देन देम और यूर डूइंग बेटर देन देम सो देर नॉट हैप्पी विद देम उन उस चीज़ को लेकर उनका मेल ईगो इस बात की इजाजत नहीं hmm. देता कि वाई शी डूइंग बेटर देन मी yeah. तो आई है फेस्ड दिस वेरी क्लोजली एंड पर्सनली तो उससे मैंने ये नोटिस किया था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर कर गई थी वो बात yeah. कि ये कैसे बाल हैं ऐसे जाओगी बाहर या ये कैसी चीजें हैं ऐसे क्यों करती हो अच्छा अब तो तुम ये करती हो अब तो तुम वो करती हो अब तो तुम मॉडल बन गई कोई हुँ. तुम्हें पूछेगा नहीं इज्जत नहीं देगा अब तो तुम बन अब तो तुम्हारी कोई, अब ही बन के रह जाओगी ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता है ब्ला 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 हुँ. तो उस उसपे मुझे वो था कि हाँ मतलब यार मतलब ऐसा है क्या और मैं तो हूं भी ऐसी कैसे और है क्या तो तो मुझे वो होता था कि यार मतलब मैं बहुत डबल माइंडेड होने लगी थी मेरे उतने स्ट्रोंग ओपिनियंस नहीं रहे थे बट वन आई डिटैच्ड माई सेल्फ ऐसे लोगों से तो uh, मुझे बहुत पॉजिटिव आई फेल्ट लाइक आई आई कैन ब्रीड नाउ मतलब आई कैन फाइनली टेक my own decisions अगेन आई कैन थिंक अबाउट myself. सेल्फ मैं खुद कर सकती हूँ एंड आई नो माई बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन आई नो हाउ टू हैंडल माई ओन सेल्फ एंड आई फील लाइक के मैं एक दायरे में रहती हूँ और mm. मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे आकर बताएँ कि क्या बेहतर है कि क्या नहीं अब mm. इस चीज़ के रिगार्डिंग तो uh, बहुत फर्क करता है मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है तो uh, मुझे लगता है लोगों की बात पर अब इतना ध्यान नहीं देना चाहिए mm. इसी तरह लोग कितना कुछ कहते हैं आपके फिजिकल अपेयरेंस के बारे में भी लोग कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है okay. uh, जैसे मन्नत मुराद में फजीलत के साथ हो रहा है mm. शादी mm. ना होने पर उसमें yeah. उनका आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है लोग एक mm. सवाल करते रहते हैं तो ये तो है आई थिंक आपको उतना खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इज़ इट टू लव स्ट्रॉन्ग एंड वेन यू आर सो एम्बिशियस एंड वैन यू आर सो क्लियर हैडेड इन योर माइंड आई थिंक वेन इट कम्स टू लव इट्स नॉट ईजी और हार्ड आई थिंक लाइक माइंडड लोग होते हैं वो मिल ही जाते हैं ओके तो ये बात तो है आई थिंक मुझे लगता है जब आपको फील होता है कि हाँ इससे मेरी कंपेटिबिलिटी मैच कर रही है माइंड सेट मैच कर रहा है तो फिर आप वो विद द फ्लो हो ही जाता है बट जिनसे नहीं कर रही मुझे लगता है उसके साथ प्लीज़ एफर्ट ना डालें ओके प्लीज़ डू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स एंड जो भी आपके mm -hmm. रास्ते का कुछ भी कांटा बनना चाहे या जो भी हो या आपके कौन यू नो मेरी ममा कहती हैं कि सबसे ख़राब लोग वो होते हैं जो जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हों छोटी या बड़ी और वो एकदम से आपकी खुशी को खत्म कर इसमें कौन सी बड़ी बात थी ऐसे लोगों से के रहना चाहिए चाहे आप अपनी बर्थडे के लिए ही एक्साइटेड क्यों ना हो कितनी बड़ी होगी कौन सी बर्थडे है चुप करके बैठ जाओ ऐसे लोगों वो कभी कभी जिंदगी में आपकी किसी चीज से खुश नहीं हो सकते जो एकदम से वो कर देना कि अच्छा एम आई ओवर अच्छा इतनी बड़ी बात वो बहुत ख़राब लोग होते हैं आपको क्या लगता है अब 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अब हम सुनते हैं कि दुनिया बहुत चेंज हो गई है लड़कियां अब ज़्यादा चीज़ें अचीव कर रही हैं ज़्यादा आगे जा रही हैं और हम सब ये भी कहते हैं सोसाइटी भी हो है। है। चेंज हो गई है बट क्या सोसाइटी वाकई चेंज हो गई है क्या मर्द और उनके घर वालों की थिंकिंग वाकई चेंज हो गई है क्या आज एक लड़की अपने एम्बिशन और अपनी लव लाइफ़ को दोनों को बैलेंस करके चल सकती है आपको लगता है ये आसान हो गया है लड़कियों के लिए या दे स्टिल हैव टू स्ट्रगल एंड समाइम्स सॉइटली बट मैनी ऑफ देम हैव टू चूज़ बिटवीन द टू ये राइट राबिया ऐसा है hmm. हमारे मुल्क में ये सैड रियलिटी है कि अभी बहुत बच्चियाँ होंगी घर पर या बच्चे होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल है hmm. uh, इस चीज़ को फेस करना ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि पसंद का हम कोई शादी करना चाहें या कुछ रियली कमिंग फ्रॉम यू मैं सरप्राइज हूँ मुझे लगता है आप तो कह कहने हाँ ये चेंज हो गया है रामया नहीं हुआ है बिल्कुल हुआ है राबिया ये चेंज लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ जो ये कहते हुए डरते हैं कि घर में तो बवाल मच जाएगा हमें जॉब की इजाजत मिली है वो भी छुड़वा देंगे होता ओ, है इस तरह होता है कि अच्छा इसलिए बाहर करने भेजा था तो एक ये है बट अगेन ज़माना बहुत बदल गया है yeah. और एक्टर्स uh, को मॉडल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है और uh, लड़कियों को काम करने के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है लड़कों को भी अब जैसे मैं उस दिन भी अब मेरी और आपकी बात हुई थी तो मैं यही जिक्र करी थी कि पहले हम कहते थे डॉक्टर और इंजीनियर हैं लेकिन yeah. अब हम कहते हैं हम ब्लॉगर हैं हम कॉन्टेंट क्रिएटर हैं हम फैशन डिज़ाइनर हैं हम वाटर स्टाइलिस्ट हैं सो दैट्स अ गुड चेंज टू सी एंड आई होप कि ऐसा ही रहे और लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस हो और बिकॉज वी ऑल हैव सो मच पोटेंशियल फीमेल्स वी हैव सो मच पोटेंशियल, सो आई थिंक उनको भी इसी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी uh, टैलेंट को शोकेस कर सकें लेकिन आपको आसपास माइंडसेट में चेंज नज़र आ रहा है जो आपके आसपास लड़के हैं दोस्त हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करती हैं या अपनी दोस्तों की रिलेशनशिप्स के बारे में जब सुनती हैं या जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं उन क्या हम फैमिलीज में और मर्द हुँ. हजरात में या जो अब नए नई जनरेशन आ रही है लड़कों की उनमें ये हम चेंज देख रहे हैं जो पढ़े लिखे है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वैसे बहुत अच्छे दिमाग के हैं सपोर्टिव हैं लाइक मेरी फ्रेंड है तो उसका हस्बैंड है तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव जो वो करना चाहे जैसे वो करना चाहे जहाँ जाना चाहे वी जस्ट वेंट ऑन अ गर्ल्स ट्रिप टू दुबई हर तो so, uh, really mm -hmm. like, like, yeah. um, ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दट लाइक ही वॉज लाइक हाँ हाँ जाओ इंजॉय कहाँ होता था रबिया आज से पहले ये नहीं होता था बिल्कुल तो एक ये बहुत अच्छा चेंज है और जो पढ़े लिखे लोग हैं मुझे लगता है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो घर में मर्दों को औरतों को सबको पढ़ना चाहिए ताकि आपके पास एक्सपोजर हो और जब एक्सपोजर होता है तो आप वैसे ही आ, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और इसमें कुछ बुराई नहीं है नहीं। मतलब अगर आप अपना सबका इंटरेस्ट मैं ममा को कहती हूँ मैंने कहा मम्मा क्यों मुझे इंजीनियर बना दिया आपके पैशन में आके मैं इंजीनियर बन गई मुझे पता होता मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो शायद मैं एक्टिंग के ही उसमें आती या जब मैं स्पोर्ट्स करती थी मैं तब भी मम्मा से कहती थी मैंने कहा माँ मुझे पता होता मैं इतनी अच्छी स्पोर्ट्स करती हूँ तो मैं बचपन से ट्रेनिंग करती ताकि मेरी फ्लेक्सीबिलिटी और होती हमें

योर पेरेंट्स एव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव या लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ा कुछ चीज़ें आस पास से लोग क्या कहेंगे आपको फेस करना पड़ा इन वट सेंस इफ़ यू कैन शेयर सम एग्जाम्पल्स और शेयर जस्ट वट वह आपके एक्सपीरियंस क्या थे जब मैं स्पोर्ट्स uh, भी mm -hmm. करने लगी थी तो भी बहुत लोगों ने मेरी मामा को कहा था बिकॉज मेरे बाबा तब अब्रॉड हुआ करते थे ठीक mm -hmm. कि बड़ी ढील दे दी है अकेले mm -hmm. जा रही हैं पिशावर और ये तो हाथ से गई स्पोर्ट्स का पूरा पूरा दिन लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं अब कहाँ पढ़ के देगी अब कहाँ कुछ करके देगी मैं इंजीनियर भी बनी मैंने सब किया और हमेशा अपनी फैमिली के और अपनी उन चीज़ों का ख्याल भी रखा और किसी का नाक कभी नहीं कटवाई तो इनफैक्ट मैंने सबका नाम रोशन ही किया तो आ, तो ये तो सुनना पड़ा लेकिन उसके बाद ही वही चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात है कि जब मैं हुई तो वही सारे लोग अरे ये तो हमारी चैम्पियन है या इसके साथ हम पिक्चर ले लेते हैं इसके तो हमने इंटरव्यूज़ देखे जब मॉडलिंग में आई तो वो अच्छा अब मॉडलिंग में लग गई अब तो बस तो वही वाली बात है अब इनसे कौन शादी करेगा अब तो ये मॉडल हैं अब तो ये एक्टर हैं अरे अभी तक इतना ज़्यादा होता है मैं जेनर भाई मेरे अलावा नॉर्मल लोग भी कभी कहीं अगर इनवाइट किया जाए नहीं जा पाते होंगे ना किसी की शादी में किसी की कि बर्थडे पार्टी में किसी की दावत में नॉर्मली भी लोग मतलब अगर वो एक्टर नहीं है बीमार हो गया किसी के हस्बैंड को छुट्टी नहीं है तो वो नहीं ले जा सकता मैं अगर कह दू ना कि मैं ये वाले इवेंट में नहीं आ सकता हाँ तुम क्यों आओगी तुम तो एक्टर हो हमारे साथ क्यों बैठोगी तुम तो एक्टर्स के उसमें ही जाओ मैं वहाँ भी नहीं जाती आई मीन मैं काम करती हूँ काम से मैं घर आ जाती हूँ तो इवन कभी सेट के बाद कहते भी है ना कि घर जाएंगी मतलब जैसे अर्ली पैकअप हो गया yeah. तो मैंने कहा तो और किधर जाना है मतलब घर ही जाऊंगी लोग जाते हैं फ्रेंड्स yeah. उसके बाद डिनर के लिए जाते हैं लंच के लिए जाते हैं आई डोंट इवन चेंज माय आउटफिट जो मैंने लास्ट सीन के कपड़े पहने होते हैं मैं उसी में घर चल जाती हूँ mm. तो मुझे आई एम वेरी होम बाउंडेड मुझे yeah. होता है कि जो मुझे टाइम मिला है मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँ और मैं एक्स्ट्रा कोई फालतू का वो करती नहीं हूँ बट हाँ ये सुनने को तो बहुत मिलता है मेरी अम्मा को अब्बा को सबको इवन मेरी बहन को भी सबको कि हाँ अब तो हमारे पास क्यों आएंगी अब तो मैं बोलने देती हूँ मैंने बोला हाँ ज़ाहिर है क्यों आऊँगी <laughs> जाओ जो सोचे कितना एक्सप्लेन करूँ कि yeah. भाई आई हैव वर्क मैं yeah. कल सुबह अगर मेरा कमर्शियल है तो मेरा चार बजे का कॉल टाइम mm -hmm. था मैं आपकी दावत पर नहीं आ सकूँगी मैं थक कर आऊँगी mm -hmm. तो वो नहीं समझते तो फिर मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है मैं तो एक्टिव mm -hmm. हूँ मैं क्यों आऊँगी मैं नहीं आऊँगी जैसा आप बता रही हैं कि यूर सो फोकस्ड इन वर्क इज़ योर प्रायोरिटी कैसे मैनेज करें आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है एक चीज़ ये बड़ा उनको फेस करनी पड़ती है कि वो कोई चीज़ करना चाहते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत आसपास हैं यू नो टीवी फ़ोन फ्रेंड्स ऑल्सो यू नो कुछ एक चीज़ कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर किसी और को कुछ और पोस्ट करते हुए देख लिया तो वो आपने जो किया उसका उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में कम हो जाती है ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन वट यू डू योर सेल्फ और वट यू एडवाइस के हाउ टू कीप द फोकस अच्छा on? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी मेंटल सैनिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ हाउ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैंने हमेशा से खुद को बोला जिसने जो पोस्ट करना है कोई कितना ज़्यादा प्यारा लग गया किसको क्या कमर्शल मिल गया कौन अब्रॉड जाके शूट कर गया मैंने उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं जिस दिन मैं पढ़ गई ना रबिया मैं कहीं की नहीं रहूँगी मैं पागल हो जाऊंगी तो मुझे वो करने ही नहीं देना खुद को इवन जैसे मैं स्पोर्ट्स से भी हमारा बड़ा फोकस्ड मेरी मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस भी हो गई फोकस्ड रहने की तो जब मैं पढ़ भी रही थी तो भी हमारे घर में यही माहौल था क्योंकि माई सिस्टर इज़ अ टॉपर शी इज़ ब्रिलियंट पढ़ाई के अंदर तो मुझे भी था कि तुमने पढ़ना है मैंने सब छोड़ दिया था जब मैं पढ़ रही थी आ, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे आ, प्री इंजीनियरिंग में और मैंने सब छोड़ दिया था मैं कहीं नहीं जाती थी मैं कॉलेज जाती थी कॉलेज के बाद कोचिंग जाती थी कोचिंग के बाद घर आके कल का पढ़ती थी और बस पढ़ती थी और कुछ नहीं करती थी तो आ, हमेशा से वैसे ही रहा और तब फ़ोन इतने ज़्यादा भी नहीं थे और अब जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे होता है मैंने अपने काम पे ध्यान देना है मेरा क्राफ्ट को कैसे मैंने पॉलिश करना है दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे के लोग क्या कर रहे हैं बट डिस्ट्रैक्शंस तो हैं लेकिन उसके लिए मुझे अपना मैंने अपना फ्रेंड सर्कल सर्कल बहुत कम कर दिया इस तरह नहीं कि ओ माई गॉड आई एम एन एक्टर मुझे बस नहीं वैसे ही अपनी मेंटल सैनिटी के लिए आप सबको टाइम नहीं दे सकते इतनी बिजी जिंदगी में और सबकी डिमांड्स होती हैं हमारे पास भी आओ यहाँ भी आओ हमारे साथ क्यों नहीं आई इसके तो गई थी वहाँ नहीं गई मेरे सिर्फ दो फ्रेंड्स हैं आयशा और रमीज़ मैं उन्हीं के साथ कहीं जाती हूँ उन्हीं के वो मेरे घर आ जाते हैं मैं उनके घर चल जाती हूँ और वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हैं ग्यारह बारह साल से मेरे दोस्त हैं कि अगर मैं आ, नहीं मिलूँ ना दो महीने भी तो दे विल अंडरस्टैंड और उसके बाद भी मैं मिलूंगी तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पेज ऐसे कोई गिले शिकवे नहीं होते तुम तो दो महीने से गायब हो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद अरे भाई मैं काम करी थी मतलब मैं तो नहीं आप लोग भी तो काम कर रहे होंगे ना तो ये एक है तो मुझे लगता है कि जो आपको समझे उसके साथ आप रहें तो मैं मम्मा से वैसे कह रही थी कि Uh, अब इंस्टाग्राम है टिकटॉक uh, है क्या कुछ नहीं है मैंने कहा ये हमारे टाइम पर नहीं था मतलब था लेकिन हम उस पर नहीं थे तो uh, हमने पढ़ ली क्योंकि प्री इंजीनियरिंग या yeah. प्री मेडिकल इजी नहीं है आपको दिन yeah. रात पढ़ना yeah. पड़ता yeah. है तो मैंने कहा अगर ये तब होता तो हम तो मिनट मिनट पे फ़ोन चेक कर रहे होते हैं yeah. तब तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते मैंने yeah. कहा प्रिया हम अच्छे वक्तों तो में पढ़ के निकल गए अब तो वाकई ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है और मुझे तो फ़ोन भी कॉलेज के बाद मिला था हमें तो अलाव ही नहीं था

मेंशन कर सकती हैं आपके पेरेंट्स ने की आपको आपकी परवरिश में जो आपको लगता है कि अगर दूसरे माँ बाप सुन रहे हो तो वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं बिकॉज़ माशाल्लाह से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं योर फोकस इज़ वेरी क्लियर योर वैल्यूज़ आर वेरी गुड विच आई फील द क्रेडिट गोस टू योर पेरेंट्स माशा से आई थिंक uh, मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स का जो पैटर्न uh, था hmm. हमें पालने का उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जिस वक्त जिस चीज़ का टाइम है सिर्फ वही ओके okay. पढ़ाई है तो पढ़ाई खेलने का टाइम है तो खेलना कभी हमारी नाजायज़ वैसे तो हमने की ही नहीं हम तो इस बातें मैंने कहा अम्मा कभी नहीं आपको तंग किया हमने तो आ, कभी नाजायज़ डिमांड को पूरा नहीं किया ओके yeah. okay. डांटा भी मारा भी सख्तियाँ भी की उस वक्त तो हमें गुस्सा भी बड़ा आता है कि कैसी जालिम माँ है हमारी लेकिन आज हम कहते हैं मम्मा अगर आप वो नहीं करती तो हम आज इतने सेन नहीं होते Hmm. अपने हवाले से भी और दुनिया को देखने के तरीके से भी yeah. क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी था hmm. कभी ऐसा नहीं है कि पढ़ने के टाइम पे मैं रो रही हूँ या मैं खाना नहीं खा के ज़िद कर रही तो मम्मा ने वो मान लियो मत जा लो मम्मा ने कभी मान लियो कि अच्छा चलो चलो जाओ खेद देख लो okay. टी वी थोड़ी देर देख लो कभी शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई थिंक स्ट्रिक्ट होना चाहिए ये hmm. जो आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग आ गई है कि hmm. चलो बच्चों अरे रबा मैं और शादियों में जाती हूँ मैं देखती हूँ खुद के टाइम के लिए बच्चों को बनाने के लिए कार्टून लगा के दिए हुए स्क्रीन में जहाज yeah. में दिए हुए हैं एयरपोर्ट्स में दिए हुए हैं स्क्रीन के बगैर वो चलते नहीं हैं इवन uh, जब हम शूट करते हैं और बच्चे सेट पर आते हैं तो उनकी अम्मियाँ उनको बहलाने के लिए स्क्रीन yeah. लगा के दे देती हैं दैट इज़ नॉट राइट मतलब हम हमने तो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा टाइम होता था हम स्कूल से आते थे खाना खाते थे वो जो खाना खाने का टाइम है उसमें हम कार्टून देखते थे उसके बाद शाम को हम कुरान पढ़ते थे रात को होमवर्क करके थे फिर ट्यूशन जाते थे सो जाते थे सुबह स्कूल शायद हार्डली एक घंटा हम टीवी देख सकते थे तो आई थिंक वो होना चाहिए और mm -hmm. इतना uh, जिस चीज़ की जब ज़रूरत है तब देनी चाहिए mm -hmm. फ़ोन भी तब देना चाहिए आज़ादी mm -hmm. भी तब देनी चाहिए लाइक नाव आई ट्रैवल अ मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ और मैं अपने आप को एक्सप्लोर करती हूँ एंड अब मम्मा पापा को पता है ना कि अब हमने इसको सिखा दिया जितना yeah. सिखाना था अब ये दुनिया के किसी कोने में भी जाएगी ना हमें पता है इसकी बाउंड्री क्या है उसे वो कभी नहीं क्रॉस करेगी तो ये जब कॉन्फिडेंस माँ बाप को इतना मिल जाए ना फिर मेरे ख्याल है अब आपका टाइम है आप अपने बच्चों को फ्रीडम दे दें एंड दे विल नॉट लेट यू डाउन एनी एडवाइस दैट यू वॉन्ट टू गिव टू द न्यू कमर्स जो एक्टर्स सुन रहे हैं आपको सोच रहे हैं आने का आई थिंक आई वुड लाइक टू से नेवर टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड अपना जो भी काम है उसको बहुत पैशन से डेडिकेशन से और काम को काम समझ के करना चाहिए जैसे शायद मैंने एक बार आपसे पहले भी बात करते हुए मेंशन किया था कि वी गेट पेड फ्रॉम टेन टू टेन हमें दस से दस के पैसे मिलते हैं अगर एक सीन भी है तो मैं बैठी रहती हूँ कोई बात नहीं okay. शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए मेरा काम है मैं दस बजे के बाद बोलूँगी चले मुझे घर छोड़ दें okay. लेकिन उससे पहले जो होता है ना कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आने के बाद एक दम से लोग इतना कैरिड अवे हो जाते हैं ना कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं सेट पे देखती हूँ कि नाश्ता आएगा उसके बाद मैं तैयार होंगी या होंगे फिर मैं सीन कराऊँगा डायरेक्टर इज सिटिंग देयर द होल कास्ट एंड क्रू आर वेटिंग फॉर यू टू गेट रेडी बिकॉज आपके साथ सीन हैव सम बिकॉज यू कान डू दिस इफ यू वर्किंग वर्किंग इन अ कंपनी यू कॉन्ट डू दैट राइट अगर आपके बॉस ने कहा है कि मुझे ये असाइनमेंट इतने बजे चाहिए तो mm -hmm. आपके कोई नाश्ते का वेट नहीं करेगा घर से कर कर आते yeah. तो वेन दे टेक दे वर्क सीरियसली तो जस्ट बिकॉज यू अर एन एक्टर और यूर अ स्टार और योर इन दोर फेमस और योर इन द इंडस्ट्री दैट डज नॉट गिव यू द एज के आप ये वाले ना जाय टेंट्रम्स दिखाएं ठीक है mm -hmm. आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप उसके लिए आवाज उठाएं mm -hmm. कभी चुप रहना चाहिए hmm. लेकिन ये जो है ना ये मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर कल को आप ही को अगले चार महीने काम ना मिले तो आप आ जाएंगे ना वापस दो नॉचेस डाउन hmm. तो फिर आप अभी से क्यों नहीं अपने काम की रिस्पेक्ट yeah. करते अपने रिस्क की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते True. तो ये है कि टेक योर वर्क सीरियसली एंड वर्क इज वर्क नो मैटर वॉट hmm. तो ये है आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा इस तरह की सोच में भी स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया कि मेरे उसकी वजह से बहुत इसमें डिसिप्लिन आ गया आजकल कोई स्क्रिप्ट आप देख रही जिस जिसपे आप काम करने का या आजकल टाइम ऑफ़ लिया हुआ है। ऑलरेडी एक चल रहा है अभी नहीं हुआ तो एट द मोमेंट वो एक ही है तो uh, कुछ आता है तो मच फॉर योर टाइम लवली एंड आपके जर्नी के बारे में के अच्छा लगा थैंक आर सो नाइस एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके थैंक यू आई होप आपको बड़े अच्छे स्क्रिप्ट मिले ताकि हम आपको hope. और देखें <laughs> स्क्रीन पे और आपका करियर बहुत अच्छा जाए विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच अल्लाह मच्ला